नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आपके मनपसंद हिंदी म्यूजिक चैनल आई लव पेन स्टूडियोज के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही में डीडी फ्री डिश में लॉन्च कर दिया गया है। अगर ये चैनल आपको अभी भी देखने को नहीं मिल पा रहा है तो आपको अपने सेटअप बॉक्स को अपग्रेड करवा लेने की जरूरत है। आपको MPEG4 में चैनल देखने को मिल पाएगा, MPEG2 में चैनल मौजूद नहीं है। इसके अलावा दूसरा चैनल आपका हिंदी धारावाहिक में लॉन्च किया गया था जिसका नाम है दाक्यू। इन दोनों चैनल्स ने जो है कमाल कर दिखाया। जी हाँ, वाकई में अभी हाल ही में कुछ दिनों में इनको लॉन्च किया गया था डीडी फ्री डिश में, और कुछ ही हफ्तों में, जो कह लीजिए एक या दो हफ्ते, तीन हफ्तों में ही इसने कमाल कर दिखाया। 1 तारीख को लॉन्च हुए थे और आज करीबन कह लीजिए तो 17-18 तारीख हुई है, और ऐसे में इन चैनल्स ने काफी कमाल कर दिया है टीआरपी में। जी हाँ, टीआरपी इन टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिसको हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दर्शक कितना प्यार दे रहे हैं चैनल्स को, इसी से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है काफी कमाल की मिली है। आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है द क्यू चैनल जो है, जो कि हिंदी धारावाहिक का है, वो टॉप 7 में नजर आने लगा है। बताना चाहूंगा कि हिंदी धारावाहिक के चैनल्स की जो भी टीआरपी आती है उसमें फ्री टू एयर जोन में करीबन टोटल 10 चैनलों को जो है मेजरमेंट किया जाता है कि टोटल 10 चैनलों में से कौन सा चैनल सबसे आगे है, कौन सा सबसे चैनल पीछे है। तो 7वें नंबर पर जो है अचानक से द क्यू चैनल नजर आने लगा है, यानी कहीं ना कहीं दर्शक जो है डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता जो है वो चैनल को प्यार दे रहे हैं। यही कारण है कि वो जो है टॉप 7 में नजर आने लगा है। बाकी आप भी अगर डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो मुझे बता सकते हैं कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो आई लव पेन स्टूडियोज म्यूजिक चैनल है वो भी टॉप 5 में नजर आने लगा है। जी हाँ, टॉप 5 में उसकी एंट्री हो चुकी है, और अगर MPEG2 में आता तो और भी इनको कहीं ना कहीं टीआरपी में फायदा होता, अच्छी खासी रिवेन्यू भी मिल जाती। और मुझे लगता है कि ये जो चैनल है वो 9X जो है आपका एम है या MTV बीट्स, उसको भी टक्कर देने में सक्षम है। बाकी आपके मन में क्या सवाल है दोनों चैनल्स को लेकर, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने दोनों चैनल्स के बारे में आपको बता दिया है कि ये टीआरपी में नजर आने लगे, और उसका सबसे बड़ा जो कमाल है वो आप सभी का है जिन्होंने इन चैनल्स को काफी प्यार देना शुरू कर दिया है। नमस्कार।